So, hello everyone, very good evening. Welcome to All Aboard. This is Aditya. Today, with me, I have lots of candidates. My plan was to keep around 10 plus candidates here. 10 plus candidates, those who have cleared SBI PO examination first attempt. रीजन ये था मेरा कि ये वो एग्जामिनेशन है जिसके लिए मतलब मेरे पास ऐसे डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं दैट सर इज इट पॉसिबल, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, सर इज इट पॉसिबल टू क्लियर द एसबीआई पीओ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था दैट व्हाई नॉट टू कॉल सच पीपल दोज हु हैव क्लियर एंड नॉट वन और टू, आई वांटेड मोर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया ताकि उनसे उनकी स्ट्रेटेजी हम पूछ पाए कि और माइंडसेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट कि व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर एसबीआई, क्या आपके पास भी ये क्वेश्चन मार्क था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क था। तो मैं सबसे पहले एक बार पूछना चाहूंगा दैट ऑल ऑफ यू हैव क्लियर एसबीआई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर, यस यस सर, यस सर, ऑल ऑफ यू हैव क्लियर फर्स्ट यस सर, यस। नाइस। अब ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो एक डाउट है कि वी विल बी एबल टू क्लियर इट और नॉट, हम कर पाएंगे इसको क्लियर या नहीं कर पाएंगे, ये जो एक डाउट होता है एसबीआई के लिए स्पेशली। पीपल डोंट आस्क अबाउट आरआरबी और आईबीपीएस, बट एसबीआई पीओ के लिए हमेशा एक डाउट होता है दैट इज इट पॉसिबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या ये डाउट था आपको, कितने यस लोगों सर, को था ये वाला डाउट, कितने यस लोगों को था, किस किस को था? यस सर, प्राची को यस था, सर, ओके, हाँ, यस रिया सर, को भी था, सिमरन को भी था, सिमरन था डाउट, यस सर, बहुत बड़ा डाउट था, डाउट था। अच्छा ठीक है, तो जिनको जिन भी लोगों को डाउट था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है कि नहीं, नाउ व्हाट यू आर फीलिंग, इज इट पॉसिबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर, इट इज, एवरीथिंग इज चलो, पॉसिबल इफ यू बिलीव टू डू एवरीथिंग सो, इज, यस यस सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड टू डू दिस सेशन कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वही बता पाए कि हाँ भाई पॉसिबल है और हमने किया है। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था इस सेशन को करने का। अभी दूसरी चीज, ऐसा कोई सेशन में जिसको ऐसा 50-50 वाला सिचुएशन था जब सिलेबस देखा कि यार हो तो सकता है, इफ आई विल ट्राई प्रॉपरली इट इज पॉसिबल बट आई नीड टू गिव माय एफर्ट्स, ऐसा कोई था आउट ऑफ अमंग अस ऑल ऑफ अस, किसी को ऐसा कुछ था? यस सर, प्रशांत को है था। सर, यस अच्छा सर, प्रशांत को था एंड गौतम मी टू और सर, शुभांग, शुभांग शुभांग, हाँ ऐसा था, मतलब कि हाँ सिलेबस देखा फिर लग रहा था इफ आई विल ट्राई प्रॉपरली, इफ आई विल गिव माय सीरियस अटेम्प्ट देन इट इज पॉसिबल। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर आई आई एबल टू फाइंड कैंडिडेट मोस्टली दोज हु आर थिंकिंग लाइक दैट दिस डिफिकल्ट अनटिल अनलेस व्हाट दे डू इज, जब तक वो उस प्रोसेस में नहीं आ जाते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट किया प्री निकल गया, अभी प्री निकल गया फिर वो सोचते हैं नो आई नीड टू गिव माय बेस्ट फॉर द मेंस, और फिर जब मेंस हो जाता है देन दे फील नो आई हैव टू गिव माय बेस्ट फॉर द इंटरव्यू आल्सो, फिर फाइनली पता चलता है यार नॉट सिलेक्टेड। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट विच वी वर थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग बिफोर जंपिंग इन टू दिस प्रोसेस। तो ये भी होता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मैं मानता हूँ कि अराउंड 80% जो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं कि वो जंप कर जाते हैं, उसके बाद फिर उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअली वी आर एबल टू डू बट इन द प्रोसेस दे आर एबल टू रियलाइज दिस। तो ये एक मेरा एक डाउट था, तो चलो ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई हम क्लियर तो कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरा क्वेश्चन है, आप सबने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एसबीआई के कुछ टाइम पहले, हो सकता है 6 month 1 year बिफोर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट डे व्हाट केम टू योर माइंड, मतलब पहले दिन जब आप लोगों ने बैंकिंग का एग्जाम स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे द डे यू डिसाइडेड कि अब बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, क्या पहला स्टेप था, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप, कि पुराने वीडियोस देखे, क्वेश्चंस देखे, क्या किया था? मैं एक एक करके जानना चाहता हूँ। प्रशांत आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्रशांत आपने क्या किया था फर्स्ट डे? सर, मैंने पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसको चेक किया था कि इसमें कितने मार्क्स का क्या आता है। मैं कैट का एस्पायरेंट था तो मेरा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा था, तो आई वांटेड टू चेक कि जो जीए के क्वेश्चंस आते हैं, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डेप्थ क्या होती है, किस नेचर के ओके क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा मेन ओके इशू था सर, मैंने जो नोटिफिकेशन के बाद फोकस किया है, गो अहेड। अदर देन दैट सर, बाकी मैंने दो तीन मॉक्स दिए थे प्री के मेंस के,
और आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट कि मेरा क्वांट इंग्लिश रीजनिंग किसी में नहीं रुकेगा, मेन मुझे करंट अफेयर फंसेगा, तो सर उसी पे मैंने फिर वर्क किया था 2 महीने 3 महीने जो आपके पेड टीएनए क्लासेस थे उसके थ्रू। ओके 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 ठीक नवीन ठीक ठीक इसके अलावा नवीन आपका राउंड में। नवीन पहले दिन क्या किया आपने, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट डे क्या किया था आपने? मैं कट ऑफ चेक करता था कि एग्जाम में कट ऑफ कितने आते हैं, कि उससे क्या होता है कि सर अच्छा एक टारगेट सेट हो जाता इस है दिमाग में कि हाँ मुझे 100 हाँ में से क्या लाना है, तो प्रीलिम्स से तो पहले एग्जाम प्रीलिम्स के से बारे में अराउंड वन आइडिया था आपको, ऐसा कुछ कि इसका प्री भी होता है मेंस भी होता है, ऐसा कुछ आइडिया था आपको? एक्चुअली एक्चुअली मैं दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, फिर मैंने एसएससी दिया तो मुझे हर जगह मतलब फेलियर्स देखना पड़ा। तो क्या है कि सर मुझे एक जॉब का जरूरत था, तो फिर मैंने देखा कि एसबीआई का एग्जाम आ रहा है, तो फिर मैंने एग्जाम का पैटर्न देखा और एसबीआई अच्छा प्रीलिम्स से अराउंड 1 मंथ पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू करा। तो पैटर्न देखने के एसबीआई बाद मेरे प्री के दिमाग वन में ये मंथ था पहले कि आपने स्टार्ट सर किया। इंग्लिश में मुझे कभी प्रॉब्लम आया नहीं। हाँ सर, अच्छा और सर मतलब प्री मैंने देखा कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश है, और सर क्योंकि मैं मतलब आईसीएसई बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ था, तो इंग्लिश में मुझे कभी प्रॉब्लम आया, और मैंने कभी इंग्लिश को लेकर मेरे पास कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ और क्योंकि सर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में था, तो मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो जिससे कि तो मतलब करंट मुझे अफेयर्स का रीड बहुत करके बहुत बड़ा बेसिक समझ चैलेंज में आ नहीं था, जाता था कि करंट यहाँ पे अफेयर्स क्या आना अक्सर आता चाहिए। आपका। अच्छा ठीक। शालिनी मैं तो फिर इंग्लिश से एक में बार करंट क्वेश्चन अफेयर बहुत दोहराता ज़्यादा हूँ। डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जी शालिनी मैं आप पे आता हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, आप लोग समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फर्स्ट डे जब होता है ना हमारा, कि मैंने कुछ एक नया चीज लिया है और मान यस लीजिए मुझे एमबीए स्टार्ट करना है या कोई भी एक चीज करनी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट डे क्या माइंडसेट होता है, क्या किया सबसे पहले, क्या किया आपने, क्या फर्स्ट स्टेप था? सर, माय फर्स्ट स्टेप वाज टू चेक द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। आई चेक कि देर आर एग्जामिनेशन। 3 स्टेजेस इन दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस, थर्ड इज इंटरव्यू। देन आई चेक कि प्रीलिम्स में किस तरह का पेपर आता है, दैट वी हैव 100 क्वेश्चंस दैट वी हैव टू डू इन 1 आवर। देन मेंस में ओके क्या पैटर्न रहता है कि अच्छा चार हाँ सेक्शंस होते हैं, 2.5 3 आवर्स का पेपर होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है हाँ उसमें, तो ये हाँ सारी चीजें चेक करी। फिर देन मैंने सिलेबस चेक किया कि प्रीलिम्स और मेंस कितना ओवरलैप करता है, या फिर क्या चीजें हैं जो मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि मुझे आती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे बिल्कुल भी कोई चीज का आइडिया नहीं है। तो ये सब चीजें मैंने चेक करना स्टार्ट किया, और ये एक दिन में नहीं हुआ था। आई थिंक 1 वीक लगा था सारी अराउंड चीजों को लगा अच्छे था से आपको ग्रैस्प स्लोली स्टेप बाय करने में। स्टेप करने हाँ जी, मैंने क्या किया था कि प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस एक पेपर पे लिख लिया था कि अच्छा में। क्वांट है, क्वांट के प्रीलिम्स और मेंस के ओवरलैपिंग सेक्शंस ये हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक ये है और मेंस स्पेसिफिक ये है। देन उसके बाद मैंने और चीजें देखी, कौन कौन से टीचर्स हैं यूट्यूब पे, या फिर पेड कोर्सेज हैं, कौन कौन सी कोचिंग्स हैं, ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था। काफी रिसर्च किया, मतलब पहले रिसर्च काफी हाँ किया, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा कोई ऐसा जिसने रैंडमली स्टार्ट किया हो कि बस फॉर्म भर देते हैं और देखा जाएगा फिर बाद में क्या करना है? हाँ नहीं, यस प्राची ने नहीं सर। किया, उमंग ने किया आई थिंक। हाँ उमंग, क्या किया था उमंग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अराउंड मैंने एग्जाम्स मतलब फिल किए थे, मैंने आरआरबी पीओ दिया था, आरआरबी क्लर्क दिया था, आईबीपीएस पीओ दिया, आईबीपीएस क्लर्क दिया, मेरा किसी में नहीं हुआ, प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ, हमेशा 2 या 3 नंबर से ऐसे रह जाता था। और पूरे साल में एसबीआई वाज लाइक द टफेस्ट, जो कि मेरा हो गया क्लियर। तो मैं अच्छा एग्जाम्स दे रही थी, बट मेरी प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड नहीं थी क्योंकि मैं मास्टर्स साथ में कर रही थी। तो ओके अराउंड 1 मंथ पहले, एसबीआई के एग्जाम से 1 मंथ पहले मैंने देखा उठा के। सो काफी लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि रीजनिंग इज गोइंग टू बी टफ, तो मेरा मेरे को टेंशन होती थी रीजनिंग की एग्जाम। फिर धीरे धीरे मॉक्स वगैरह करने लगे तो पता चला मुझे मैथ्स भी नहीं आता इतना अच्छा। बट फिर कॉन्स्टेंटली वही प्रैक्टिस करे, मॉक्स दिए, और यूट्यूब पे मोस्ट आई थिंक एसबीआई बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज रेडिली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। फिर ऑन यूट्यूब। भी हाँ बच्चा, और सर आपके, फिर जब अभी प्री एक बार क्लियर से हो गया भेजेगा देन ना वो, अभी आएगा देन सर, दोनों ना सर से फिर भेजेगा लिंक को दूसरा। देन सर के टीएनए काम आए, और इंटरव्यू में तो सर वाज विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे।
मेरे लिए तो ये कॉन्स्टेंटली ये था कि एक मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ, तो फिर एक मेरे लिए भाई स्प्रिंट स्टेप ही बाय थी स्टेप मेरे। चलते गए, मतलब सरप्राइजेस थे कि प्री का दे हाँ रहे हैं, फिर प्री निकल गया सरप्राइज था, फिर यस मेंस पे लग गए, फिर वो हुआ, फिर इंटरव्यू तक आ गए। चलिए अच्छी बात है। हाँ मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलता हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करने से क्या बेनिफिट मिलता है। कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहता है कि हाँ लास्ट ईयर के, रिया मैं आपसे चाहूंगा, रिया थोड़ा सा बताइए क्या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करने से बेनिफिट मिलता है। यस सर, बिल्कुल बहुत बेनिफिट मिलता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम जब सबसे पहले मॉक दिया था तो मेरे प्री में कुछ 50 मार्क्स ऐसे थे, 45-50 के बीच में थे। फिर सर एनालाइज किया सब कुछ, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कट ऑफ कितनी जा रही है, फिर एक दो मॉक्स और दिए सर। मतलब सारा बेनिफिट प्रीवियस ईयर से, चाहे वो जीएस हो, डिस्क्रिप्टिव के पिछले साल के टॉपिक्स देखे थे क्या क्या आ रहा है, किस तरीके से पढ़ना है। फिर सर इंटरव्यू जिनका हो चुका था पहले, जो भी कांटेक्ट में थे उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा आपसे क्या क्या पूछा, किस तरीके से हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं। तो सर ये प्रीवियस ईयर तो हमेशा मतलब हेल्पफुल रहा है सारे एग्जाम्स में। चलिए बढ़िया है। शुभांग आप पर आ रहा हूं मैं। शुभांग ये बताइएगा कि सिलेबस देखने के बाद आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ ये तो सिलेबस आ गया और इसके बाद अब मुझे पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करना है, फाउंडेशन के लिए कितना टाइम लिया, और फिर प्रैक्टिस आपने कब से स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सा अलग था क्योंकि सर आई वॉज अ कैट एस्पिरेंट, तो सर ऑनलाइन डेट वॉज मैं कहीं और पे था सर, तो आई जस्ट फेल्ड माई फर्स्ट फॉर्म। एस बी आई पी ओ वॉज माई ओनली बैंकिंग एग्जाम आई गेव दिस ईयर, ये एकलौता बैंकिंग एग्जाम था मेरा। तो सर मुझे पता था कि आई नो क्वांट इंग्लिश, तो सर मतलब मैंने फाउंडेशन जो था आई हैड इट, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। बट सर प्री निकालने के लिए, फॉर द प्री पार्ट सर मैंने 2 हफ्ते आई ओनली गेव मॉक्स, क्योंकि सर मुझे पता था कि मुझे आता है बट आई डिड नॉट हैव दैट स्पीड सर, मेरे पास वो उस स्पीड से मैं नहीं कर पाता था, एंड आई कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ इन मोस्ट ऑफ माई मॉक्स एट द स्टार्टिंग, इवन टिल द 3 डेज अंटिल द एग्जाम आई कुड नॉट क्लियर कट ऑफ इन एनी ऑफ द मॉक्स। बट सर मतलब फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो सर मेरे लिए तो इट हैज ओनली बीन गिविंग मॉक्स एंड प्रैक्टिसिंग अलॉट। आपका केस अलग है। द केस इज फाउंडेशन यू ऑलरेडी यस हैड, यू आर रिक्वायर्ड ऑनली प्रैक्टिस। तो यस आपने सर प्रैक्टिस किया और फिर वहां से आपने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया, फाउंडेशन आपका यस सर अच्छा है। ठीक एब्सोल्युटली है, फिर मैं किसी और से पूछता हूँ जिनको फाउंडेशन, जिन्होंने अपना बिल्कुल स्टार्ट किया हो कि आज से पढ़ना स्टार्ट किया, ये सिलेबस फाउंडेशन पढ़ना है, फिर फाउंडेशन करने के साथ में फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो ये किसने किया ऐसा, सिमरन या शालिनी, कोई भी बताएं तो इसके बारे में। मैंने ऐसे ही किया है कि अच्छा मैंने पूरी तैयारी स्टार्टिंग से की थी। मैंने लास्ट ईयर मार्च में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। सो आई हैड दिस आइडिया कि वी विल मैंने आरआरबी का एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था तब तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आई डिसाइडेड टू नॉट टू गो फॉर दैट एग्जाम क्योंकि मेरा साइकिल ब्रेक हो जाता प्रिपरेशन का। सो आई डिसाइडेड करेक्ट कि ठीक है, 1 अगस्त से 30 सितंबर को हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था। तो आई हैड दिस आइडिया कि आई हैव 5 to 6 months टू गो। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि फर्स्ट थिंग ये कि जुलाई एंड तक मेरी मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आई हैड दिस आइडिया इन माई माइंड वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि अगर हम मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम से पहले नहीं करेंगे तो फिर डाइसी हो जाता है, फिर लत पे जाती है चीजें। एंड आई हैड दिस आइडिया कि आई हैव टू पुट इन एवरीथिंग दैट आई हैव एंड आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले आई हैड टू कवर माई बेसिक्स, विच आई स्टार्टेड मैथ्स क्लासेस। आई एक्चुअली टुक द कोर्स ऑफ एन अकेडमी एंड मैंने 2 महीने में सारी क्लासेस जितनी भी मैं कर सकती थी, प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी, ये क्लासेस में मतलब डेली में 8 से 9 घंटे पढ़ के मैंने ये क्लासेस एक बार कंप्लीट करके और एक बार पूरा रिवीजन कर दिया था। मैं बहुत ज्यादा सोर्सेस में नहीं जाती थी बट आई डिसाइडेड कि जो एक सोर्स लूंगी उसको रिवाइज करना है मुझे। तो परफेक्ट। दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस ऑफ मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड साथ में मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ती थी, तीन दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल डेली की, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश को। वैसे मेरा हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है इंग्लिश, ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बट ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद मैंने 1 महीना पूरा सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन को दिया। उसमें मैं सेक्शनल टेस्ट उठाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वांट का सेक्शनल टेस्ट उठाया, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना गेट नहीं कर सकती। तो आई डिसाइडेड कि
मैंने क्वांट के लगातार 4 टेस्ट दिए डेली, और मैं क्या कोशिश करती रही थी कि जितनी नॉलेज मेरे पास है अब मैं अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे करूंगी इसमें, कि मुझे अपना परसेंटाइल 95% से ऊपर रखना होता था, वो मेरा टारगेट होता था हमेशा। तो मेरे को बस ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं किस तरह से, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, उसमें मेरे को परफॉर्म करना है। और इसके लिए ऑलिव बोर्ड के टेस्ट वर रियली रियली हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत टफ लेवल आपको देते हैं एनालाइज करने के लिए। वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं आपको मॉक टेस्ट में बैठ के, कि हमारा 40 मिनट्स यस निकल गए हैं पर एक ही क्वेश्चन हुआ है। तो दैट करेक्ट, गिव्स अ दैट रियल, प्रेशर यू द डे यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू फील दिस मच प्रेशर इन द एग्जामिनेशन, यस आप वो सीख जाते यस हो. यस करेक्ट यस। करेक्ट. तो वहां से मुझे हेल्प मिला। तो 1 महीना मैंने सिर्फ ये किया कि मैं सेक्शनल देती थी, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी डेली भी दे देती थी। और उसको मैं उस समय पे सॉल्व पूरा पेपर नहीं करती थी, कभी कभी पूरा पेपर भी सॉल्व करती थी, कभी कभी नहीं करती थी। माई मेन आइडिया कि मुझे अपने मार्क्स अवेलेबल नॉलेज के साथ मैक्सिमाइज करने हैं। तो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी। देन आई रिमेम्बर कि जुलाई के एंड तक आते आते मैंने मेन्स के 3 या 4 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए थे, एंड आई वॉज रेडी फॉर द मेन्स प्रिपरेशन एक्सेप्ट फॉर द जीए पार्ट। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। मैं आऊंगा, जीए पर आऊंगा मैं भी. मेरा हाँ जी सबसे हाँ बड़ा जी डाउट जीए ही होता है और हाँ मेरा जी सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ उससे, तो मैं आऊंगा जी जीए पे. हाँ जी गौतम, आई सर वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. देर इज अ सर डिफरेंस बिटवीन अदर एग्जामिनेशन लाइक IGTS PO, RRB PO और एनी अदर IBPS एग्जामिनेशन विच वी आर राइटिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज वी हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑल्सो. एंड इन एस बी सर आई वी डू नॉट हैव सेक्शनल कट ऑफ, राइट? सर सो इट इज लाइक इट डू वी हैव एनी सेपरेट स्ट्रेटेजी फॉर द एस बी आई एग्जामिनेशन स्पेशली वेन वी आर प्रिपेयरिंग, और द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ IBPS वर्क हियर ऑल्सो? What do you think? What आई was your? पर्सनली फेल्ट दैट ओनली फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स द स्ट्रेटजी माइट बी डिफरेंट बिकॉज देर आर ओनली 2 सेक्शंस फॉर दैट। फॉर एग्जांपल क्वांट्स एंड रीजनिंग आर ओनली देयर। अदर देन दैट ऑल द एग्जाम्स दो दे हैव सेक्शनल कट ऑफ, द रियलिटी इज यू हैव टू बी 4 or 5 marks मोर देन द सेक्शनल कट ऑफ टू बी सेफ फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ। सो एनी वे Correct. यू हैव टू बी मोर मोर इन दैट। एंड द स्ट्रेटजी वॉट आई फील इज बेटर इज दैट In any of 2 sections, you have to be well ahead of the cutoff. Correct. In, for example, in I was strong in English, and I started preparation only in June. So the challenge before me was to get strong either in reasoning or in quants. So I thought reasoning was relatively easier and it came well for me. So I focused on that and I cleared the prelims with that. And actually, my strategy was that I attempt literally all the exams that came in between, sir. So even when the vacancies were just 14 or 15, I attended that exam because in order to gain an exam experience, that was very much useful. So it was my. Got it, got it. Prachi, coming to you. मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, बट सो आई विल बी एबल टू डिस्कस विद एवरीवन वन बाय वन. प्राची, कमिंग टू यू, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? एंड आई वांट टू नो दैट व्हेन यू हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू इमीडिएटली स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, लाइक प्री एंड मेंस, मेंस सिलेबस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन? मतलब प्री का, एसबीआई का प्री का अगर मैं पेपर बोलूँ और एसबीआई का मेंस का पेपर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपके स्ट्रेटजी में डिफरेंसेस आते हैं? कितने जल्दी हमको मेंस का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो उसका आप कब से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. सर मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर 2022 में स्टार्ट की थी। सो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई फोकस्ड ऑन ओनली बिल्डिंग माय बेस। सो इंग्लिश ऑलरेडी परफेक्ट. स्ट्रांग थी बिकॉज सीबीएसई बोर्ड था। मेन मेरी प्रॉब्लम थी क्वांट्स में। रीजनिंग भी जब मैंने मुझे रीजनिंग के बारे में इतना पता नहीं था, बट जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो आई फेल्ट दैट इट इज माई स्ट्रांग पार्ट। तो इंग्लिश और रीजनिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेन 6 मंथ्स मुझे अपना क्वांट बिल्डअप करने में लगे। देन मैंने आईबीपीएस दिया था सबसे पहले 2022 में। उस टाइम प्रिपरेशन इतनी नहीं थी बट आई जस्ट गेव दैट एग्जाम लाइक दैट। उस टाइम मेरी प्री की कट ऑफ सर सिर्फ 4 मार्क्स से रह गई थी। तो देन आई थॉट कि हाँ हो सकता है। देन कमिंग टू दिस ईयर, तो इस साल एसबीआई तो दिमाग में था ही कि एसबीआई करना ही करना है। तो सर मॉक स्टार्ट करे प्री के लिए। मेन तो प्री के लिए मॉक से ही पढ़ाई करी है, मॉक्स दे देकर रेगुलरली। मतलब आप एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक्स दिए।
बट आपका हाँ फाउंडेशन रेडी हो गया था ना, आपका जी आपने सर, बोला विद इन फाउंडेशन, सिक्स हाँ टू एट मंथ फाउंडेशन रेडी हो गया था, देन आई रेडी वाज हो गया कॉन्फिडेंट. था, उसके बाद अब आप मॉक्स पर थे, प्रैक्टिस यस सर, ठीक। यस सर. सो प्री और मेंस के सर मैंने साथ में ही प्रिपरेशन करी थी. मेंस के लिए मैंने अलग से नहीं करा, बिकॉज आई न्यू कि इतना टाइम नहीं देता है एसबीआई मेंस के लिए. तो सर 1 नवंबर को था एसबीआई का प्री का एग्जाम, और 5th को आईबीपीएस का मेंस का एग्जाम था. तो आई हाँ वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि प्री निकलेगा भी, और सर मेरा सिर्फ 0.5 की कट ऑफ से प्री क्लियर हुआ था. तो आई वाज वेरी शॉक कि प्री भी निकल गया, बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा था. देन सर मेंस के लिए तो थोड़ा ना डिमोटिवेशन आ गया था, क्योंकि आईबीपीएस भी ठीक नहीं गया था. तो सर मेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि अलग से तो क्या ही पढ़ना है, अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो उससे अच्छा मेंस के लिए भी पढ़ो साथ में, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जीए वाला पार्ट अगर हम हटा दें. तो जीए के लिए सर रेगुलर करंट अफेयर्स करे, बैंकिंग अवेयरनेस करा, बट वो डेली बेसिस पे, क्योंकि सर मंथली और वीकली में आई थिंक कि काफी कुछ मिस आउट हो जाता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मंथली और वीकली में चैलेंज ये आता है कि अगर आपने डेली कर रखा है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हैं. करेक्ट एग्जैक्टली. एंड सर द थिंग इज कि डेली करने से ना मेरे को स्पेसिफिकली न्यूज याद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि डेली रिवीजन भी हो रहा था साथ साथ, तो दिमाग में बैठ गई थी न्यूज. तो ऐसा नहीं था कि लिख के मुझे याद करनी पड़ रही. करेक्ट। कई बार एग्जाम में ये होता है कि आपने डेली में कोई न्यूज पढ़ा था और वो एग्जाम में आया, क्लिक कर जाता है, एग्जैक्टली यस ना भी सर, पता हो, बट आप कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं ये पक्का आंसर है, तो फिर आप वहां पर कहीं ना कहीं आप ले लेते हो रिस्क कि हाँ ये मैं अटेम्प्ट तो कर एग्जैक्टली. ही लेते हो। करेक्ट है हाँ जी करेक्ट सर, है। फिर जब मेंस का एग्जाम हुआ तो मतलब मेरे को बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी कि क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम ही बहुत ज्यादा टफ था. आसपास सबको देखा, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ बेहोश ही हो गए थे पेपर देते हुए. तो काफी स्ट्रेसफुल माहौल था उस टाइम पे, एसबीआई बट बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर. प्रेशर तो बहुत देता है, मतलब यस एसबीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो वाकई में बहुत इन्होंने इंप्रूव किया है विद द टाइम, बिकॉज आई एम फॉलोइंग एसबीआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम द ईयर 2016। मैंने बहुत क्लोजली 2016 से देखा हुआ है, मैंने अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए थे इंटरव्यू के 2016 में, तब से मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, तो यस मैंने सर, वहां से और 24 तक जब हम मूव कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जिन लोगों ने अभी अभी दिया है अटेम्प्ट उस समय क्या फेस था, अभी क्या डिफरेंसेस आए, तो आप समझ पाओगे कि हाँ मतलब उस समय चीजें कुछ और थी, अभी तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी इंप्रूव किया है इन्होंने। बट सर व्हाट आई थिंक इज कि जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी होगी ना उतना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप किसी और करेक्ट। के ऊपर डिपेंड करोगे तो क्लासेस कभी हो रही है कभी नहीं भी हो रही है, ऐसा भी कई बार हो जाता है, आप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे. बट स्टिक टू कि मेरा डेली का था कि डेली करंट अफेयर्स और एक हिंदू एडिटोरियल, तो डेली करना ही करना है चाहे कुछ भी हो. जी मैं इसीलिए ये कॉल करना चाहता था कि इतने मैं 7 8 10 बच्चे जितने भी मैं बुला सकूं, ऑल्दो इन आर बैच देयर आर, मैंने काउंट किए 15+ कैंडिडेट्स वी हैव, दोज़ हु हैव क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 15 से ज्यादा बच्चे हैं अपने बैच में जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये भी समझ पाएंगे कि पहली चीज तो पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, और दूसरा अगर मैं देखूं तो आप सबकी स्ट्रेटेजी में भी डिफरेंस है, तो किसी की स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती, एवरी वन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेस डिसाइड दैट कि हाँ मुझे क्या करना है, दैट इज द एक्चुअल थिंग। आप किसी को कॉपी करके कभी मतलब सक्सेस की तरफ जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको अपने स्ट्रेंथ वीकनेस देखने पड़ेंगे, जिस जगह पर आपको काम करना है डेफिनेटली। जैसे किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी का बहुत वीक होता है, जिसका अच्छा है तो वो टाइम कम दे रहा है बट प्रैक्टिस कर रहा है, जिसका वीक है उसको टाइम देना है, ये समझना है कि एटलीस्ट मैं इतने यस अटेम्प्ट तो कर लूं कि मेरा ओवरऑल कट ऑफ उससे इम्पैक्ट ना कर जाए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी आपकी चेंज करेगी वहां से, राइट। मैं आता हूँ नेक्स्ट मनीष के ऊपर, मनीष शांत बैठे हुए हैं अभी तक, मनीष क्या हालचाल है, कहाँ से हैं आप? सर, मैं सर राजस्थान से हूँ, और जी बढ़िया हाल चाल है. यस बढ़िया हाल चाल है, घर वाले खुश हैं? सर, यस सर. अच्छा चलिए बढ़िया है। और ये बताइए कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, प्री मेंस की तैयारी जो है कितने टाइम में आपने की, मेंस के लिए आपने मेनली क्या किया उसके बारे में बताइए, मैं लास्ट में इंटरव्यू पे चलूंगा। सर मैं नवंबर 2022 में मैंने स्टार्ट की थी अभी प्रिपरेशन. ओके और हाँ, और अभी उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने अपनी जो बेसिक क्लियर करने के लिए जो राकेश, वो खाली मैंने वीडियो में पॉइंट की, खाली जो वीडियो सोर्स है वो फॉलो किया था, बाकी तो मैंने बुक से ही कंप्लीट किया, रीजनिंग की और इंग्लिश और नीतू मैम जो बुक आती है उनकी, उससे ग्रामर वगैरह कंप्लीट किया था. आपने और बुक से पढ़ाई करी है, ये अभी यस के सर, केस में थोड़ा सा रेयर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनसे मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ दे प्रेफर वीडियो वीडियो सोर्स,
वो क्लासेस देखते हैं, वो क्लासेस के बाद फिर नोट्स बना लेते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। बट अच्छा लगा सुन के कि इस तो अभी भी पॉसिबल है, कुछ बच्चे होंगे। ये देखो एक और मतलब एक वो हो गया ना, एक और नया भी एग्जाम क्लियर हो रहा है। अच्छा लगा मनीष। हाँ फिर बताइए बुक के बाद। तो सर सबसे पहले तो बुक से मैंने जितनी बुक थी, जितने क्वेश्चन वगैरह थे बुक में, वो पहले कंप्लीट किए। उसके बाद मैं मॉक को स्विच किया, फिर मॉक मैंने लगाई तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरे 85% से ऊपर आ रहे थे प्रीलिम्स में रेगुलर। तब फिर मैंने मेंस स्टार्ट किया और 95 से ऊपर ही परसेंटाइल आने लग गए थे। तब फिर मैंने अरे मेंस चालू वाह। किया था और फिर मैंने अप्रोक्स 1 से 2 मंथ के अप्रोक्स मैंने मेंस की वो की थी, मैंने मॉक दिए थे उसके। और ओके उसके बाद आरआरबी के पेपर चालू हो गए थे, तो वापस मैंने प्री में स्विच कर दिया। फिर आरआरबी ये फिर मैंने बत... सारे पेपर मैंने सारे दिए, आरआरबी पीओ क्लर्क और उसके अलावा ये भी आईबीपीएस क्लर्क पीओ और एसबीआई क्लर्क और पीओ। तो खाली आरआरबी पीओ नहीं हुआ था मेरा प्री, और आरआरबी क्लर्क प्री मैंने क्लियर किया था। फिर मेंस में मुझे डेंगू हो गया तो फिर मैंने मेंस दिया नहीं था, और अभी बाकी सब मैं मेंस दिए हुए हैं, आईबीपीएस का भी दिया हुआ है और वो सब। ओके अच्छा ये बताइए, ऐसा कोई जिसने मतलब बहुत बड़ा गैप देखा हो अपने, वैसे तो ज्यादातर आप लोग खुद ही फील कर रहे होंगे कि ऐसा हुआ है सर, कि जब हमने स्टार्टिंग में मॉक लिखा तो मार्क्स मार्क्स वर लाइक की पथेटिक, आप किसी को बता भी नहीं सकते कि यार मेरे इतने यस मार्क्स आ सर, रहे यस हैं। और सर, फिर जब आप लास्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय आपने देखा वेरिएशन की डे 1 और डे 60 या डे 75 पर ये चेंज देखने के लिए मिला बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ द टाइम विच यू हैव गिवन टू द प्रिपरेशन, तो वो गैप कितना था और मतलब मैं वही नंबर्स के टर्म में जानना चाहता हूँ, किसी ने जिसने भी फील किया हो। यस सर सर 20-25 डेज में हो गया था, प्री में हुआ था ये। सबसे पहले 30 के अप्रोक्स अच्छा आ रहे थे पहले, और उसके बाद में 80+ आने लग गए थे। 30 से 80 आने लगे थे। कितने दिन में आने लगे? 30 डेज में ही आने लगे थे। हाँ 30 डेज में, क्योंकि तो तो मैंने बेसिक कमाल क्लियर कर लिया आदमी था, उसके यार। बाद में मॉक चालू किया था। हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ, तुम कमाल आदमी भाई, बहुत जल्दी मतलब 30 डेज का टाइम बहुत कम होता है कि आप इतना नंबर को ऊपर ले जाओ, 30 से 80 85 तक ले जाना बड़ी बात होती है। साक्षी आप बहुत शांत बैठे हुए हैं, बताइए साक्षी क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कहाँ से हैं साक्षी आप? सर फरीदाबाद। फरीदाबाद से हैं। कैसी रही प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में? कैसा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर? क्योंकि मैं इन लोगों से पूछ चुका था, तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस था या आपको डाउट था कि नहीं एसबीआई तो नहीं हो सकता, हो सकता है आरआरबी निकल जाए, आईबीपीएस निकल जाए, ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा बाकी लोगों से मैंने पूछा तो ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी थी। बताइए बताइए। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर दे रही हूँ, लास्ट ईयर और इस ईयर मैंने अपने अटेम्प्ट्स दिए हैं। और लास्ट ईयर दिया था मेंस, आरआरबी पीओ ही मेंस क्वालिफाई हुआ था, और एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ अच्छा तो नहीं हुआ था। एंड मतलब वो दिया ही नहीं था, क्योंकि लोग दिया ऐसे नहीं डरा था। देते हैं अच्छा ना कि इतने सारे अटेम्प्ट्स हाँ होते हैं तो आपको अप्लाई हाँ नहीं करना चाहिए इसके लिए। हाँ लिमिटेड एंड अटेम्प्ट होते उसके हैं। हाँ जी, ओके इस साल तो मेरे पास सारे ही एग्जाम्स, फर्स्ट एग्जाम्स का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसके बाद सारे प्री क्वालिफाई और मैंने मेंस के लिए मैंने अटेम्प्ट दिया। बट एट द एंड एसबीआई पीओ का ही मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, और उसी के लिए मैंने इंटरव्यू प्रोसीड करा और उसी में फाइनल सिलेक्शन हुआ। मतलब मेरा फर्स्ट मेंस था जो मैंने क्वालिफाई किया। ये मैंने पता है आपको बहुत सारे बच्चों को देखा है, इस साल भी देखा है, लास्ट ईयर भी देखा है, जिनका बाकी एग्जाम्स का मेंस रुक जाता है, ठीक, आरआरबी पीओ भी मेंस रुका हुआ है, आईबीपीएस पीओ का भी मेंस और एसबीआई पीओ का मेंस निकल गया। इसके पीछे मैं सबसे बड़ा रीजन मानता हूं एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ का ना हो। और जब मुझसे कोई पूछता है कि सर एसबीआई पीओ को क्लियर करना डिफिकल्ट है या इजी, तो मैं बोलता हूं कि ये सबसे इजी एग्जाम है बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके दो रीजन है, पहला साइकोलॉजिकली एवरी कैंडिडेट इज फीलिंग दे आर नॉट फिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, मतलब सबको साइकोलॉजिकली लगता है ये टफ है, बाकी में ट्राई मार लो, अपना 100% दे दो, इसको देख लेते हैं होगा तो ठीक है, ये पहला रीजन है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको बहुत मतलब अपने तरफ से वो खुद में कॉन्फिडेंस लैग करके बैठे हैं। दूसरा रीजन है इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, इतना वीक है कि आप उसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर आप कर लोगे, क्योंकि आप दो सब्जेक्ट की दम पे भी प्री निकाल रहे हो,
तीन की दम पे आप क्या कर सकते हो, मीन्स निकाल सकते हो। अगर आपका जी अच्छा है, मैं हमेशा बोलता हूँ जिसका जी अच्छा है उसके लिए एसबीआई बहुत बढ़िया अटेम्प्ट निकाल कर दे सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जीए कहीं ना कहीं आपका दे रहा है। मीन्स के बाद फिर आप जब जीडी में जा, तो मैं काफी सपोर्ट कर देता है आपका जनरल अवेयरनेस। और सर तो डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है, तो जिसका इंग्लिश अच्छा है तो करेक्ट 25 मार्क्स तो एज मिलता है जो आईबीपीएस में नहीं रहता है, तो उससे भी करेक्ट काफी कट ऑफ निकालने में हाँ इजी रहता है वो मेंस का। करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चीज है। सिमरन आपसे पूछते हैं, बताइए जरा ये यस सर। बताइए कि मेंस में कब तैयारी स्टार्ट की और जनरल अवेयरनेस के लिए आपने प्रिपरेशन। मैं एक बार आपसे पूछता हूँ फिर मैं सब पर भी आऊंगा कि जीए जो है ना, मेरा हमेशा डाउट ये होता है कि जीए के लिए जब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने 10 बच्चों से बात की, तो मैं ये देखता हूँ कि जिनका मेंस निकल रहा है उनमें से आठ, कम से कम आठ लोग जीए पहले से तैयार कर रहे थे। दो होते हैं जो थोड़े से या तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, जिन्होंने लास्ट 15 दिन पढ़ लिया, स्पीड में पढ़ लिया, या उनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग था तो उन्होंने कर लिया। बट मेजोरिटी केस में मैंने देखा है कि आठ बच्चे कम से कम 10 में से होंगे जो जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट, एटलीस्ट उन्होंने जिस दिन प्री का एग्जाम लिखा उस दिन से जीए स्टार्ट कर दिया, मीन्स के लिए थोड़ा भी आइडिया लग गया था कि बी निकल जाएगा तो अब जीए पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से। आपका क्या था, कौन सी कैटेगरी में थे आप, वो आठ वाले में, दो वाले में, और क्या था आपका सुन? सर मैं वो दो वाली कैटेगरी में थी, क्योंकि पहली हाँ बात तो ये कि मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरा निकल जाएगा। वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं हाँ लाइक 2021 या 2022 से स्टार्ट करी थी। सबसे पहला मेरा ऑफलाइन कोचिंग करी थी मैंने, और उसमें लाइक मैंने यूं करा कि मैं एग्जाम देना मैंने स्टार्ट कर ही दिए थे, पर मैंने एसबीआई का कभी नहीं दिया था, क्योंकि एक वो डर था कि बहुत टफ आता है, मैं कैसे करूंगी, बेस ही कंप्लीट नहीं, मैं करूंगी क्या वहां जाके। फिर सेकंड में जब मैंने फॉर्म तो फिल किया बट मैं जा नहीं पाई कुछ पर्सनल इश्यू से, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अब मैं देकर तो आ गई, बट आई वाज लाइक यार मेरा अगर इतना गया है तो बाकियों का तो और भी अच्छा गया होगा, क्या ही होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, होगा जो अब देखा जाएगा। फिर रिजल्ट आया प्री का, मैं मतलब क्लियर हो गया, मतलब ठीक है। फिर मेंस की तैयारी करनी, अब मेंस के लिए दिन ही नहीं बचे, अब मैं करूं क्या। फिर मैं शीतल मैम की देखती हूँ वीकली और मंथली वीडियोस, मैं उसी पे डिपेंडेंट रहती हूँ, मैंने वही देखी सारी। और हाँ मेंस भी क्लियर, मेंस का तो जैसे यूं था कि जैसा सब कह रहे ना कि रोन रोना आ रहा था, एक्चुअली रोना आया था। सबसे डिफिकल्ट जो था ना उसमें मैथ्स थी, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे। मैं देख रही थी कि ये पेपर होता है, ये ऐसा पेपर होता है, ये कौन देता है, अब इसमें कौन बच्चे पास होंगे। तो फिर जब मैं घर आई, मैंने सबके लाइक देखे यूट्यूब पे, तो सबने यही बोला कि यार इतना डिफिकल्ट हुआ, ये है वो है। तो मैंने बोला चलो अब देखते हैं क्या होता है आगे। और फिर शायद मैं उस दिन जब मेंस का आया था, मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम देकर आई थी, और मैं रास्ते में थी एंड मैंने चेक किया और मेरा रोल नंबर उसमें दिखा, और मैं लाइक टॉप ऑफ द टाउन पे थी कि मेरा मेंस, पहली बार कोई मेंस क्लियर हुआ है मेरा। वो भी SBI सीधा। हाँ, और पापा भी बहुत लाइक, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे पापा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा उन्हें लाइक मुझसे उम्मीदें हैं, और आई गेस मैंने उनको वो चीज दिए तो मेरे लिए बहुत वो खुशी की बात हो गया। अब मैं अभी तो हाल फिलहाल तो टॉप ऑफ द टाउन पे हूँ, क्योंकि एक तो भिलवाड़ा से हूँ, यहाँ से इतने लोग निकले नहीं है, तो ये भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो शीतल मैम की जो थी वीडियोस, देन उसके बाद आए आप इंटरव्यू के लिए, तो आपसे मेरा कनेक्शन भी, लाइक मुझे किसी ने बोला कि आप ये बैच ले लो, अगर आपने इतना पैसा खर्च किया ही है तो आप थोड़ा और खर्च कर लो। मैंने बोला कि यार चलो ठीक है देख लेते हैं। तो फिर आपका मैंने किया। अब भी दिक्कत मतलब जो चीज थी वो क्या हुई थी ना, कि ऑफलाइन में मेरे एक रीजनिंग के टीचर थे, जिस बारीकी से वो करवाते हैं उसी बारीकी से आपने वो चीज करवाई थी, तो वो लाइक बहुत अलग और अच्छा फील भी था कि यार नहीं इतने बारीकी से कोई नहीं करवाता, बहुत कम देखे हैं, तो इसी वजह से। थैंक यू। अभिनव कहाँ बैठे हो, घर नहीं पहुंचे हो लगता, वैन से निकल के। सर इतना अच्छा सेशन चल रहा है,
हाँ मैं भी अब आरआरबी पीओ स्केल टू के लिए इस साल अपियर होऊंगा, तो मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। मैं अरे यहाँ वाह ज्ञान देने नहीं, ज्ञान लेने आया हूँ सर। नहीं, सही है बढ़िया है, सबको ग्रो अच्छा करना चाहिए बिल्कुल। मैं आने वाला हूँ अब लास्ट में, पूछूंगा सबसे पूछूंगा एक एक करके कि भाई आगे के क्या गोल्स है। एसबीआई पीयू तक तो आप आ गए, अभी ना ऑलरेडी एसबीआई अच्छा पीयू है लोगों ने, तो आप लोगों ने, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी ना सेशंस भी किए होंगे या फिर उनसे गाइडेंस भी लिया होगा, और ये हमको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो मैं जब भी बुलाता हूँ, जैसे आज आप लोग आ गए ठीक बुलाने पे, वैसे इनको जब भी मैं बुलाता हूँ कि भाई मेरे को जरूरत है और आप आओ सपोर्ट करो, थोड़ा गाइड करो, सो ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड द कैंडिडेट्स। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से भी, और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं हमारे, वो चीज है। चलिए मैं आता हूँ वापस से टॉपिक के ऊपर, मेरे अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे कि थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड। फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ऐसा किसके साथ हुआ है कि घर में कल तक या परसों की बात करता हूँ, परसों तक बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं थी, तो सडनली कल से सर रिस्पेक्ट बढ़ गई है। इतना रिलेटेबल कभी कुछ नहीं लगा सुनने में सर, सबसे रिलेटेबल स्टफ था ये। हाँ वही मेरे को सर मतलब रिस्पेक्ट एक ही दिन की थी, फिर घर वाले वापस डाउन टू अर्थ कर देते हैं। सही चलो सही है, सही मतलब एक दिन तो मिली रिस्पेक्ट, एक दिन लगा कि हाँ यार कुछ कुछ तो किया है, तो किया है। फोटो यस कि हाँ मम्मी पापा सब देखा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अब थोड़े से मैं अपने लाइट वाले क्वेश्चन भी पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसा होता है ना कि जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ होते हैं हमारे, मैं वैसे बोलूंगा तो ऐसा ना हो कि आपकी मैं बुआ बुआ सुन रही हो तो बुआ को बुरा लग जाए, बट होते हैं बुआ चाचा, कोई सबसे अंकल हो या कोई हमारे नेबर्स हो, वो पूछते रहते हैं छोड़ूंगा क्या कर रहा है ये, क्या कर रिश्तेदार। रही है, क्यों कर रही है, कितना टाइम हो गया, कब करेगी, कर यस ले सर यस भाई, ऐसा होता है। और फिर सडनली जिस दिन आपका रिजल्ट आता है सेम पर्सन फिर आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं अरे वाह नहीं मुझे पता था तुम कर लोगे, तो ये एक्सपीरियंस आया क्या, ऐसा यस हुआ सर, क्या ये बहुत बिल्कुल ज्यादा देखा बिल्कुल है, देखा सर। हाँ अरे है सर। और यही यार कि इस बार तो हमारी ब्लेसिंग्स थी तो ये तो होना ही था, और अदरवाइज मतलब ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं कि यस रहेंगे 10 दिन में ही, मतलब इतनी जल्दी कोई एग्जाम क्वालिफाई रिजल्ट भी नहीं आएगा, बट 10 दिन में बेटा क्या हुआ, एग्जाम दिया था रिजल्ट आया कुछ साक्षी आपके रिलेटिव देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरे बारे में ही बात कर रही है साक्षी। अब अभी बोलते हैं कि हमें तो बताया प्रेगनेंसी नहीं ही पता रिलेटिव था। को तो। अच्छा बताया नहीं किसने, मनीष ने नहीं बहुत बताया? सही किया अरे भाई, बहुत सही किया पापा को भाई। बताया, मैंने तो बाकी किसी को बताया। हाँ अरे वाह चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पता तो चल ही जाएगा, कुछ लोग सर मम्मी जो पापा दोनों को बाद फोन में। किया, हाँ उन्होंने सारे में फैला दिया, मैंने तो सिम ऑफ करी हुई थी, मैंने कहा फोन चालू कर लो तो फिर पूरा हाँ दिन फोन ही आते रहे। मम्मी पापा तो वेट कर रहे होते हैं ना इस दिन का कि अब हम हल्ला मचाएंगे, उनका उनका अगर एक वो चले राइट ना बस, तो दे विल बी लाइक कि एक लाउड स्पीकर मंगा लेता हूँ मैं, गाके छत एक स्नैपर मंगा देता हूँ। पे चढ़ गए, हाँ सब पे हम नाइस ही है, नाइस। फिर हाँ वही 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 बाकी सब तो ये सोच रहे क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, ऐसा ऐसा चलो छोड़ो। पर रिजल्ट के दिन जब सबको पता चला, मुझे अच्छे से पता, सबको बहुत शॉक लगा होगा, फिर सबने अरे कैसे कैसे हो गया। हाँ किया, क्या किया, कहाँ से हाँ किया, मैंने बोला हाँ यहाँ से किया, ऐसा किया, तो भी कैसे कर लिया, मैंने बोला कर हाँ लिया, हो गया। अभी हाँ भी सर एक तो मुझे कह रहे थे अरे रिजल्ट फेक तो नहीं है, 2 दिन बाद चेक कर लो। डाउट है। मुझसे सर सर मुझसे एक होता इंसान है होता पूछ रहा था कि क्या जुगाड़ से इसमें होता है क्या भर्ती। होता है क्या, डाउट है ये सब बहुत ऑब्वियस डाउट्स सर हैं, ये सब बहुत ऑब्वियस डाउट्स हैं, इन डाउट्स का आना बहुत ऑब्वियस है। और एक बार आधे आधे मैं लोगों को तो ये नहीं पता होता कि एसबीआई पीओ होता क्या है, कि कौन सी पोजीशन पर हो तुम। हाँ सर करेक्ट असिस्टेंट मैनेजर करेक्ट, बोलते वही तो समझ एक्सप्लेन जाते हैं, करना वरना तो पड़ता नहीं है समझ। पहले, मैनेजर बोलो, सारी मैनेजर हायरार्की। शाखा मेरे प्रबंधक रिलेटिव्स को आज बोलिए। भी लगता है मैं क्लर्क हूँ रिपोर्ट अच्छा अब एक मैंने अब बहुत बताने की जरूरत भी नहीं समझी, नहीं नहीं सही है सही है, क्या कोई ये दिक्कत पता है नहीं, टाइम साइन करेगा ना सर तो पता है। नहीं के साथ पता चलेगा, टाइम के साथ सब पता सर चल अपनी वो जाएगा। जो वीडियो थी ना आपने आपके साथ की थी मैंने, हाँ हाँ वो हाँ हाँ
वो YouTube पे देख के उन लोगों को समझ में आया क्या चीज उनको है। समझ में आया कि अच्छा, कि ये एएम है एक्चुअली। पोजीशन तो आप लोगों की एएम की होती है ना, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन होती है। जी सर, असिस्टेंट मैनेजर JMGS 1। तो ये पोजीशन होती है। अब ज्वाइन करोगे तो सबको फिर पता चलेगा, अरे कार्ड बिल्कुल मिलेगा, लिखा होगा प्रोविजनरी ऑफिसर। कितने लोग ऐसा वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाए वो दिन। कितने लोग वेट यस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। नहीं यस सर, सर, क्योंकि सब मैं पूछ बता रहे हैं सकता कि हूँ। कहाँ अलॉटमेंट हुआ, में आए और हाँ ट्रेनिंग हो वहां पे। हाँ अच्छा, तो मैं यस बता सर। देता हूँ एक चीज, जितने लोग बहुत ही गर्मी थी, जल्दी आ जाए वो दिन। इंजॉय कर लो अभी जितना टाइम मिला है, क्योंकि दिन वो दिन आएगा, उस दिन से उसी में फंसे रह जाओगे। यस और फिर सर। डिफिकल्ट है, बैंक का जॉब भी डिफिकल्ट हो गया है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप लोगों के ऊपर, और पीओ की लाइफ तो है हेक्टिक। मतलब ये लोग सुबह, अब ये कितने बजे घर से निकले हुए हैं, सुबह निकले होंगे 9:30 के अराउंड घर से, 10 बजे के पहले ब्रांच पहुंचना है, और फिर अभी देखो आप टाइम कितना हो रहा है, मतलब 7:30 के अराउंड ब्रांच से निकल रहे हो आप। तो देखो सब है, पोजीशन है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, विजिबिलिटी है, क्योंकि बहुत जल्दी आप जिस भी सिटी में जाओगे ना, जहां पर पोस्ट होगे, और आप कहीं नहीं जा रहे हो मार्केट में, आप कहीं नहीं निकल रहे हो, बट ऐसा होगा कि 1 महीने बाद जब आप निकलोगे सडनली किसी दिन, तो आपको लगेगा मेरे को हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि जितने बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं आपके सिटी के, वो ब्रांच आ रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे डील कर रहे हैं, आप नहीं भी पहचान रहे हो, तो किसी दिन आप जब जाओगे तो बोलेंगे अरे आप तो मैम, अरे आप तो सर वो बैंक में है, SBI में है, आप बोलोगे हाँ 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 तो आपको तब रियलाइज होगा कि एक्चुअली विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है इस पर्टिकुलर जॉब में, कि आप अपना काम कर रहे हो और एक्चुअली यू आर गेटिंग ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ पीपल। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस जॉब का। अच्छे आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में कॉन्टेक्ट बनेंगे। SBI में होने का दूसरा फायदा ये है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, उन सबकी सैलरीज मोस्टली आपके SBI में आती हैं, तो उनके जितने काम है वो लोग आते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, तो बैठे बैठे आपको थोड़े टाइम में, कुछ सालों में रियलाइज होगा कि यू हैव अ वेरी गुड कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मैटर करते हैं टाइम के साथ, राइट? ये एक आपको अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए मैं वापस आता हूँ, एक लास्ट चीज पूछूंगा, जो भी बताना चाहे, कि और मैं डिफरेंस बताता हूं कि 2016-17 तक सेक्शनल कट ऑफ भी था SBI में, फिर जैसा आप लोग बोल रहे हो ना कि मतलब लिटरली बच्चे रोने लगे थे मैथ्स का पेपर देख के, तो उस साल भी ये हुआ था कि बच्चे रोने लगे थे पेपर देखकर, और उनको उन्होंने होप छोड़ दी थी, क्वेश्चन पेपर देखा था एप्टीट्यूड का, और फिर होप छोड़ दी थी बच्चों ने कि नहीं एक भी टच नहीं कर सकते हो आप, ऐसा पेपर था। उस साल SBI ने क्या किया था कि मैथ्स का जो आपका एप्टीट्यूड है उसका कट ऑफ रखा था 0, 0 कट ऑफ था पहली बार। तो उस बार जिसने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं भी किया था और बाकी 3 सब्जेक्ट वो करके आ गया था कि चलो देखते हैं, बैठे हैं, इससे अच्छा ट्राई मार लो, तो उसका क्या हुआ था, मेंस निकल के, और फिर वो इंटरव्यू देके बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 0 सेक्शनल कट ऑफ, मतलब 0 मैथ्स के कट ऑफ पे अपना फाइनल सिलेक्शन निकाला। उसके नेक्स्ट ईयर से SBI ने क्या किया, सेक्शनल कट ऑफ का सिस्टम हटा दिया, क्योंकि SBI को समझ में आया कि हमारे पेपर तो ऐसे भी सेट हो रहे हैं कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, एक भी नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या करो, सेक्शनल कट ऑफ हटा दो। ऑल्दो पेपर का लेवल उस साल से मैथ्स का मैंने देखा है तो नीचे रहा है, उतना टफ पेपर नहीं आया है, वो बहुत ही टफ था उस साल का। फिर SBI में आपका इंटरव्यू तो होता था, ये GD और GE नहीं होता था, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्सरसाइज जो आप लोग देकर आए हैं ये नहीं होता था, ये लास्ट ईयर से वापस से रिज्यूम हुआ है। लास्ट ईयर भी हुआ था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था, ग्रुप एक्सरसाइज हुआ था, आपका जो लास्ट बैच है, जस्ट प्रीवियस बैच है, और ये वाला आपका बैच है, तो अब GDGE हो रहा है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम भी सरप्राइज रहते हैं, पता नहीं SBI क्या नया ऐड कर देगा, क्योंकि मेंटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिस साल GDGE आया तो अब जब पहली बार करवा रहे हो तो आपको बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है। वो अच्छी चीज है कि हम लोगों के कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं पुराने, जो हमारे बैंकर्स हैं, जो हमारे सर लोग हैं, रिटायर्ड बैंकर्स हैं, वो हमको बता देते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं और ये तरीका है, तो वहां से आइडिया मिल जाता है। GDGE का क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, किसको लगा था ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्सरसाइज के टाइम पर कि मतलब अच्छा लगा था, या फिर लग रहा था क्या तो चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, हो गया बस,
बैठे और निकल के आ गए, बस पता नहीं चला क्या हुआ, सर किसका ग्रुप एग्जाम। डिस्कशन में, सर ग्रुप डिस्कशन हाँ में क्या हुआ कि टॉपिक था मेरे में कि न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस ज्वाइंट फैमिली, तो 10 लोग थे हाँ सर और बाकी 9 लोगों ने लिया था ज्वाइंट फैमिली और मैं सर अकेला न्यूक्लियर फैमिली लिया था। न्यूक्लियर तो फैमिली। सर हाँ मैं चारों तरफ देख के, सब लोग मेरी तरफ बोले कि प्रशांत इज रॉन्ग देयर, तो मैं इधर देख के जवाब दूं, फिर मैं सामने बोलूं, फिर इधर बोलूं, तो सर इट वाज डिजास्ट्रस कि ये भाई कोई तो मेरी तरफ बोलो, कोई भी नहीं बोल रहा था सर, सबके सब ज्वाइंट फैमिली वाले थे उस तरफ, तो अच्छा नहीं गया था सर जीडी बिल्कुल, बस इंटरव्यू में अच्छा इंटरव्यू, तो आई अच्छा थिंक और उसकी वजह ग्रुप से निकल गया सब सर, वो मार्क्स डिवीजन होता है ना जीडी मेरा। का। हाँ ग्रुप एक्सरसाइज हाँ आई हाँ थिंक ज्यादा क्रूशियल थी, बिकॉज यू हैव टू कन्विंस द ग्रुप करेक्ट। टू गेट गेट देम टू अग्री ऑन योर पॉइंट। सो मेरे लिए ये लकी रहा दैट आई वाज एबल टू कन्विंस माय ग्रुप टू गो विद द प्रायोरिटाइजेशन दैट आई हैड सेट। सो माय ओके प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट एंड द ग्रुप्स प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट वर सिमिलर, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट रहा। एंड बाकी द पैनल मेंबर वर रियली फ्रेंडली। और एक बार एक एक्चुअली द टॉपिक वाज कि शुड फोन्स बी अलाउड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो मेरा एक ओ बैलेंस्ड अप्रोच थी कि हम हाँ डिक्टेटोरियल वे में किसी चीज को आउटराइट बैन नहीं कर सकते, वी कैन ओनली मिटिगेट इट। एंड फिर मैंने एक लाइन बोल दी कि इफ दे वांट टू रिसर्च समथिंग दे कैन गो टू द लाइब्रेरी लाइक वी यूज्ड टू डू। एंड द पैनल मेंबर कि शी इज स्पीकिंग द वे वी स्पीक टुडे। आई मीन बिकॉज उनको मेरे लगता साथ है तो जमाने ऐसा लाइक की बात कर रहे हैं ये बच्चे हैं, या ये भी अब अपने जमाने की बातें करने लगे, तो सम थिंग्स हाँ नेवर हाँ हाँ चेंज। हाँ हाँ करेक्ट। तो आई थिंक हाँ वो सर प्लस मेरे पास प्लस जीटी के लिए कुछ स्पेशल का एडवाइसेस हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा हाँ नवीन बताओ। हाँ सर, जीडी एक्चुअली मैंने बहुत एंजॉय करा था, मेरा जो जीडी था, और जीडी में सर मैंने मैंने स्टार्ट करा था जीडी, तो मेरा एडवाइस ये इनिशिएट रहता किया हमेशा था कि आपने। जीडी आप स्टार्ट करो या जीडी इनिशिएट करो, तो उससे क्या रहता है सर, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखता है उन्हें, और एक मतलब लोग स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, वो जनरली डरते हैं, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो आपका एक एज हो जाता है उस पे। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात जीडी का, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब देख कर बोलने का कोशिश मत करो, आप जब जस्ट लाइक बुलेट पॉइंट्स बना लो, उससे ध्यान में रहेगा तो आप बोलो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो एकदम रीड आउट कर रहे थे, जस्ट जब यार दे लिखने वर का टाइम बिजी दिया गया था राइटिंग तो वो होल एसेज मतलब ऑन फुल द रफ पैराग्राफ्स में लिख मॉइल। रहे थे और उन्हें जो वो पूरा रीड कर रहे थे, वो गंदी चीज है, वो तो गंदी उससे चीज है। क्या आई होता सर, एग्री एक बैड विथ योर इंप्रेशन पड़ सेकेंड जाता है, पॉइंट। और जो हाँ आई एम एग्रीड नवीन विथ योर सेकेंड पॉइंट। जो मतलब बट वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या होता है, जैसे मैं एज अ मेंटर जब मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करता हूँ, और अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछता है काफी दिनों कनेक्ट करने के बाद, सर मुझे इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलता हूँ इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली इनिशिएट। तुम खुद में कंफर्टेबल हो, डोंट बी इन रश टू इनिशिएट, क्योंकि आप ब्लंडर मत कर दो इनिशिएशन के चक्कर में। सुन लो, टाइम ले लो, बट इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, देन यू शुड इनिशिएट। तो मेरा वो होता है कि इट शुड बी योर इंडिविजुअल कॉल एट अ पर्सनल बेसिस कि हाँ मुझे इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप कर रहे हो। और अगर थोड़ा सा भी आपने सही से नहीं किया, जैसे आपको डिफाइन करना है पर्टिकुलर टॉपिक और आप नहीं कर पा रहे हो डिफाइन, आप किसी और डायरेक्शन में मूव कर गए, हाँ तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चला जाता है। स्टार्टिंग इट ऑलवेज गिव यू हाँ ये एज, सब करेक्ट है, मैं एग्री हूं कि आपको यस इनिशिएट करने का एज मिलेगा, लेकिन इनिशिएट करना तभी चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि मेरे पास कंटेंट रेडी हो गया है इनिशिएट करने एग्जैक्ट ये सब। का। चलो, हाँ और सर और जब कोई एक भी दिन का टाइम कंटेंट दिया गया एडवाइस था तो देगा मैंने सबसे ग्रुप पहले लिखना एक्सरसाइज खत्म करा था, के लिए, और जैसे कि सुना था ये ग्रुप एक्सरसाइज ये होता है साक्षी कि आपको साक्षी कन्विंस बोलो। करना होता है, जैसे कि ग्रुप एक्सरसाइज यही बताया गया था कि आपको कन्विंस करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंटर में ऐसा हुआ कि मतलब हमारे ग्रुप एक्सरसाइज में जो 10 मेंबर्स थे, तो 9 मेंबर्स का सेम पॉइंट था, और मैंने क्या हाँ ब्लंडर किया, जो एक था ना, मतलब मैंने उसको ऐसे कहा कि अरे पूरी टीम रेडी है, आपको मानना पड़ेगा, तो वो डर लग रहा था कि ये मैंने ब्लंडर कर दिया है तो इसकी वजह से मार्क्स इफेक्ट ना हो। तो ये मेरे सजेशन रहेगा कि जो नेगेटिव हो तो उसको भी पॉइंट दो आगे से बोलने के लिए। करेक्ट करेक्ट, तो सजेशन हाँ ले सर लो जी उससे। में मैं आई ये थिंक कहना जीडी में क्या है कि कि टेन जी दस में सर, बच्चे जैसे हैं, कि सो यू हैव मुझे टू मुझे स्टैंड अपना आउट। पॉइंट्स मतलब मैं एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था अपना पॉइंट, कोई मतलब मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, तो जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पॉइंट्स पे स्टिक रहो, मतलब व्हाटएवर यू से स्टिक टू योर पॉइंट, डोंट चेंज इट।
मतलब आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। मैंने ऐसा मतलब वो बहुत लोग कोशिश कर रहे थे मुझे इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन मैं नहीं हुआ था। मैं आफ्टर ऑल अपने पॉइंट पे हरा रहा, वो अलग बात है कि मेरा डिसीजन नहीं माना मेरा सर गया था, एक्सपीरियंस बट इससे बिल्कुल अलग था। जी ने मेरे पैनल जी में क्या मेंबर हुआ कि अगर कोई पर इंसान डिसएग्री कर रहा था मेरे पॉइंट से और बाकी लोग कन्विंस थे, तो मैं उसकी तरफ से बोलते रहा था कि हाँ योर पॉइंट मेक सेंस, और मैं एक कॉमन कंक्लूजन को रीच करने की जी में कोशिश कर रहा था सर। हाँ, सो तो लिटरली मेरे मेरा पैनल का इंटरव्यू यही ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा थे गया। कि हम लोग कैसे हम दे सेड कि तुम्हारा पहला पैनल है जो एक्चुअली रीच द कंसेंसस, सो दे आर क्वाइट ये शॉक्ड एंड कंक्लूजन वेरी पर आ हैप्पी। गए। हाँ हमारे तो सर चार ही पॉइंट हो पाए थे, बाकी किसी का नहीं होता। अच्छा, एक्चुअली जीडी पहला में होता पॉइंट भी क्या है सबका ना अलग कि अलग थे। देर आर हाँ 10 पीपल, तो सबका ओपिनियन डिफर करता है और करेक्ट। आपको बोलने के लिए कम ही मौका मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा बोल देते हैं, तो फिर आप यू वेट फॉर योर टर्न, और आपको फिर बोलना भी इस तरीके से कि सामने वाले को रूड ना लगे या पैनल मेंबर्स को ये ना लगे कि बदतमीजी हो रही। हाँ, कुछ देर में वेट करने के चक्कर में सर हमें ना नवीन ने ओवरथिंक जो करना बताया, पड़ता सर है। जस्ट नवीन ने जो बताया सर कि पॉइंट्स, मैं सर उसमें थोड़ा सा बताना चाहूँ। ऐसा सर बहुत मेरे जीडी में क्या हुआ था, देवा सर मेरा कुछ टॉपिक था जिसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। तो सर बहुत बच्चों ने क्या किया था, दे हैड रेड द जीए एंड ऑल द स्टफ, तो सर उनको याद थे वो नंबर्स स्टैट्स बहुत हाँ सारे उसमें जो जो हुआ था। तो सर दे मतलब जीडी स्टार्ट हुआ एंड दे ऑल स्टार्टेड ब्लटरिंग आउट ऑल दोज नंबर्स एंड जस्ट दैट स्टैट्स एंड एवरीथिंग। तो सर मतलब मेरे हिसाब से या फिर सर पैनल मेंबर से भी सर, वो जो सिर्फ स्टैट्स थे उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दे आर नॉट, मेरे को लगता है सर ऐसा नॉलेज चेक हो रही है, बट टू अ सर्टेन लेवल नॉलेज चेक हो रही है जीडी में। दे बेसिक दे मोर ओवर कम्युनिकेशन वॉन्ट और यू टू, कॉन्फिडेंस ही है जी सर, वहां पे आपका। तो यस सर, तो विद नॉलेज आई थिंक सर कोई पॉइंट्स को इधर उधर घुमा के कुछ रियल वर्ल्ड सेंस बनाना, हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कुछ भी ऐसे सेंस बनाना, वुड बी मोर बेटर टू जस्ट ब्लैबर आउट पॉइंट्स की ये स्टैट्स हैं और ये है ऐसा। आई नोटिस दिस। आई चलो वॉन्ट टू मुझे ऐड एक समथिंग आइडिया तो टू मिल वट गया कि शुभांग मुझे सर। एक अलग से सेशन करना चाहिए जिसमें मैं सिर्फ बात करूं जीडी और जीई की, क्योंकि बहुत सारा मसाला यस आप लोगों के पास है जीडी जी को सर, लेकर। सब चाहते हैं कि जीडी जी, तो मजा तो आया मतलब सबको जीडी जी अटेंड करने यस में। सर, यस सर, हाँ यस लाइक बहुत सर, ज्यादा एक्सपीरियंस बहुत एनरिचिंग था एक्सपीरियंस जीडी अच्छा में, तो था। बहुत मजा आया मुझे एक्सपीरियंस तो। अच्छा सर, एग्जैक्टली सर। हाँ मुझे हमारा तो तो बहुत सर ना इजी पिछली टॉपिक बहुत था, मजा आया जीडी में। ग्लोबल क्लाइमेट अच्छा क्राइसिस था। अच्छा, और जब मेरे साथ कर रहे थे जीडी जी, सबने मेरे साथ ही किया है जो भी यस जीडी सर, जी, तो यस यस सर, मैंने अकेले लिया है सबका चलिए। एक एक कर जीडी जी। तो उस समय तो कुछ लोग बहुत डरे हुए थे, फिर यस उस सर, दिन मैं काफी बहुत मजा डरा आया। था। तो एक हम जब कर रहे थे आपके बट साथ, तो बहुत जो था वो हेल्पफुल तो मेरे से रही लड़ने थी। लग गया था। काफी हाँ कैंडिड हाँ था हाँ सर आपका, जैसा आपने कराया ना, मौका ही बहुत मिला था। बिल्कुल वैसा ही आया था, हुआ था जो एक्चुअल जीडी अच्छा, में। हमने तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा यस था सबका, हो गया उनका सबका, मतलब सबने हाँ, मिलके ग्रुप बना रखा था, उस पे हम प्रैक्टिस करते थे डेली, प्रैक्टिस उन करते, सबका हो काफी गया। बच्चों ने किया हाँ ये, काफी बच्चों ने किया ये। चलो बढ़िया, सर, बहुत जीडी में मैं बढ़िया। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आप कोशिश करो 2 से 3 बार बोलने की, ऐसा नहीं कि एक बार बोल के चुप हो जाओ। मतलब 2 3 बार जब इंटरव्यू करते हैं तो वो काइंड ऑफ एक ठीक रहता है, और मतलब कोई वेट ना करे कि मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, कोई मौका नहीं नहीं कोई देगा, देने और वाला है, खासकर मैं मुझे होने सर का वादा मौका नहीं तो देने मिल वाला। रहा था, हाँ 15 मिनट्स सही में बात सर, और सबको मिल रहा हमारे था मतलब रूम, जीडी में टाइम सर बच एक गया था लड़की थी बल्कि। वो बोल ही नहीं पाई, उसे मौका ही नहीं मिला बोलने का बिल्कुल भी। सर एक बात हाँ बोलना चाहूंगा, हाँ 2019 में मैंने जीडी जी दिया था, तो जैसा कि नवीन भाई ने बोला कि कोई आपको बोलने का मौका नहीं देता है, राइट, क्योंकि जीडी जी एक टीम एक्सरसाइज है जिसको बोलने का मौका नहीं मिला है। अगर आप उसको बोलने का मौका मिले, क्योंकि मैंने ये किया था एक्चुअल में, मैंने पूरा टीम को रोका और बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बोला था, तो उसको बोला कि मैम यू हैवंट स्पोकन लेट एनीथिंग, हिम आई स्पीक। वांट योर ओपिनियन, आई वांट योर ओपिनियन, क्योंकि टीम एक्सरसाइज है तो इंक्लूसिविटी भी जरूरी है, क्योंकि जानना चाह रहे हैं ना कि करेक्ट। आप एक टीम में वर्क कर सकते हैं या नहीं, सबको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप मतलब ये करते हैं तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगा, और कोशिश करनी चाहिए ये। दैट्स राइट, दैट्स राइट सर। आई चलो जस्ट भाई, वांट ऑल टू दी ऐड सेड, हमारे उसमें ग्रुप में जस्ट भी द एक लास्ट लड़की को पॉइंट। मौका नहीं मिला था, तो फिर हम हाँ सबने मिलके कहा था उसे कि आप कुछ बोल दो, तो फिर वो अच्छा उसने कंक्लूड करा था। ठीक है, प्राची मैं हाँ आप पर आता हूँ, बताइए प्राची जी कुछ बोल रहे थे सर, आप। मेरा जीडी इतना अच्छा नहीं हुआ था एज एक्सपेक्टेड, बट सर हाँ इंटरव्यू पे तो आई वाज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने सिर्फ मतलब ऑलिव बोर्ड से जो कोर्स था सब बिल्कुल दिमाग में छाप लिया था,
एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, पैनल मेंबर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे से जाते ही पूछ लिया कि आपने मास्टर्स क्यों नहीं करी, क्या आपका इंटरेस्ट नहीं है फर्दर स्टडीज में. तो सर उन्होंने जाते ही प्रेशर क्रिएट कर दिया था, बट उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे ना सर, मोस्ट ऑफ देम वर कवर्ड बाई यू. तो मेरा इंटरव्यू सर बहुत अच्छा गया था. बाहर निकलने के बाद आई वॉज टोल्ड दैट मेरा इंटरव्यू 15 to 20 मिनट चला एंड आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द इंटरव्यू. एनपीएस, मेरे से तो एनपीएस के बारे में पूछा था एंड आपने इतना अच्छे से फोकस करके इतना क्लियरली पढ़ाया था. आई वाज सो हैप्पी कि इन्होंने एनपीएस के बारे में पूछ लिया. अच्छा लगता है मेरे को भी सुन के। मेरे साथ तू वही लाइक वही बोली बोली ब्लड क्या पता कि उन्होंने बोला आगे से कि आप बताइए कि हम आपसे क्या पूछे, पूछे। तो फिर हाँ उससे प्रिपेयर होके जाना चाहिए क्योंकि वो एकदम से लाइक हो जाता है क्या करेक्ट ही हो. करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। 2016 बैच है तो ब्रांच मैनेजर है, नागपुर में पोस्टेड थे, अभी कहीं महाराष्ट्र में होंगे। तो वो उनसे चेक टॉपिक पूछा था, सिर्फ एक टॉपिक पूछा था उन्होंने उस टाइम पे चेक। तो चेक से रिलेटेड से पूछा था, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग और जितने हमारे एंटीडीटी चेक है, मतलब चेक टॉपिक ऐसा कि जो हम 1-1.5 घंटे में पढ़ते हैं, उन्होंने 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन चेक से रिलेटेड पूछे। एक टॉपिक पूछा, पर्सनल क्वेश्चन पूछे और हो गया था उनका। तो वो नीतेश का था। एक कुणाल है मेरे स्टूडेंट, उनका मैंने शायद कुणाल का बताया भी था, वो तो अभी स्केल 3 मैनेजर है, SBI में ही है, आसाम में पोस्टेड है, तो वो भी 16 बैच ही है। तो उनका भी जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी बैंकिंग अवेयरनेस काफी पूछ रहा था। कई बार बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस जो नहीं पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, और जब इंटरव्यू में सडनली क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा, तो वो भी एक चैलेंज होता है कि आपको कंप्लीट करना होता है, मतलब आपको कंपीट करना होता है उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आपको आइडिया होना जरूरी है। चलिए, अच्छा था एक्सपीरियंस आप सब लोगों से बात करने का, और मैं समझ गया कि 1 घंटे का टाइम भी कम था कि मैं आप सबसे आपके एक्सपीरियंसेस ले पाऊं। इंडिविजुअली मैं कनेक्ट करूंगा, इंडिविजुअली आप लोगों की जर्नी, जो भी आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उनकी जर्नी में प्रॉपर, कि कब स्टार्ट किया, कैसे प्रिपेयर किया, क्या चैलेंजेस आए, हर एक चीज को फिर हम कवर कर लेंगे वन बाय वन। मैं इंटरव्यूज लेता रहूंगा बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी, आने वाले दिनों में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर मैं बीच में आपको पिंग करके बुलाऊंगा कि हाँ आओ चलो अपन इंटरव्यू करते हैं, तो वो चलता रहेगा प्रोसेस। तो मेरी बिल्कुल स्ट्रेंथ और मेरे एसेट्स भी, मेरे सारे जो बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, वो हमेशा कनेक्टेड रहे हैं पहले वाले, मैं वही बोल रहा हूँ 2016 के कनेक्टेड बच्चे आज भी हैं, हम 24 में आ गए, तो आप लोग तो अभी हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कनेक्टेड रहेंगे यस सर, डेफिनेटली और सर. सपोर्ट करेंगे आने वाली जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर. एक थैंक यू सो लास्ट मच सर. चीज है मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी कि मच. आप लोग सब अभी सिलेक्ट हुए हैं, अगला टारगेट डिसाइड कर लें और लग यस जाएं उसकी तरफ, क्योंकि अभी पढ़ाई से आप लोग कनेक्टेड रहे हैं, तो कुछ अगले टॉपिक की तरफ आप लग जाएं, अगला सर. गोल सेट करके लग जाएं उसके। और बाकी मैं और सेशंस जैसा मैंने बोला है कि मैं करूंगा, तो डेफिनेटली फिर हम दोबारा कनेक्ट करेंगे सारे लोगों के यस साथ। सर. ओके सर. चलिए ओके गाइस, लेट्स गो. थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू सर, सर. ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच थैंक सर. यू थैंक यू सो थैंक मच. यू।